जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं जीवित पुत्रिका व्रत कथा। हिंदू धर्म में पति और संतान की लंबी आयु के लिए कई व्रत किए जाते हैं। इन्हीं में से एक है जीवित पुत्रिका व्रत। इस व्रत का विशेष महत्व है। हर साल अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्रिका व्रत रखा जाता है। इस व्रत को जीवित पुत्रिका व्रत के अलावा जीवित पुत्रिका जीतिया, जीवतिया और जीवतिया व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस साल जीवित पुत्रिका व्रत 18 सितंबर 2022 को रखा जा रहा है। माताएं ये व्रत पुत्र प्राप्ति, संतान की दीर्घायु होने एवं उनके सुख समृद्धि में वृद्धि के लिए करती हैं। ऐसे में आइए सुनते हैं जीवित पुत्रिका व्रत की संपूर्ण और पावन कथा के बारे में। जीवतिया व्रत कथा को लेकर कई तरह की मान्यताएं प्रचलित है। पौराणिक मान्यता की माने तो इस पर्व का महत्व महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के दौरान अश्वत्थामा अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु का बदला लेने के लिए पांडवों के शिविर में घुस गया था, जहां अश्वत्थामा ने शिविर में सो रहे 5 लोगों को पांडव समझकर मार दिया। लेकिन अश्वत्थामा ने गलती से द्रौपदी की 5 संतानों को मार दिया था। ऐसे जघन्य अपराध के बाद अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बना लिया और उसके माथे से उसकी दिव्य मणि निकाल ली। अश्वत्थामा ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने का प्रयास किया, जिसके लिए उसने ब्रह्मशास्त्र का आवाहन कर उसकी दिशा को उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा की अजन्मी संतान और धनुर्धर अर्जुन के पौत्र की रक्षा की। जिस दिन ये घटना घटी, उस दिन अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी और तभी से इस दिन पर जीतिया अर्थात जीवित पुत्रिका व्रत रखा जाने का शुभारंभ हुआ। महाभारत काल से लेकर आज तक अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए माताएं जीतिया का व्रत रखती आ रही हैं। जीतिया व्रत की कथाओं में से कहानी सबसे महत्वपूर्ण है। व्रत के दौरान महिलाएं यही कथा सुनती भी हैं। इस कथा में एक नगर के किसी वीरान जगह पर पीपल का पेड़ था। इसी पेड़ पर एक चील और पेड़ के नीचे एक सियारिन रहती थी। एक बार दोनों ने कुछ महिलाओं को जीवतिया व्रत करते देख इस व्रत को रख लिया। जिस दिन ये व्रत सभी महिलाओं द्वारा रखा जा रहा था, उसी दिन नगर में किसी की मृत्यु हो गई। जिसकी मृत्यु हुई उस व्यक्ति का शव उसी वीरान स्थान पर लाया गया, जहां सियारिन और चील दोनों मौजूद थी। सियारिन शव को देखकर व्रत की बात भूल गए और उसने मांस खा लिया। वही चील ने पूरे मन से व्रत किया और अगले दिन पारण किया। व्रत के प्रभाव से दोनों ही अगले जन्म में कन्याओं के रूप में जन्मी। एक का नाम अहिरावती था तो दूसरी का कपूरावती। पूर्ण निष्ठा से व्रत संपन्न करने वाली चील जो अगले जन्म में अहिरावती बनी, उसे राज्य की राजनी
बनने का सौभाग्य प्राप्त तो नहीं हुआ। व्रत को बीच में ही खंडित कर देने वाली सियारिन जो अगले जन्म में कपुरावती बनी, उसे राजा के छोटे भाई की पत्नी बनने का अवसर मिला। अहिरावती चील ने 7 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन कपुरावती के बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। यह व्रत मध्य में तोड़ देने का दुष्प्रभाव था जो अगले जन्म में कपुरावती भुगत रही थी, किंतु इस बात का भान भी नहीं था। बहन की फलती फूलती संतान देख कपुरावती जल भुन गई और उसने 7 बच्चों के सिर कटवाकर घरों में बंद कर दिए और अपनी बहन के पास भिजवा दिए। उस दिन बड़ी बहन जीवतिया का व्रत कर रही थी। भगवान जीमूतवाहन को याद करके जब उसने 7 घड़ों पर जल छिड़का तो उसके बेटे जिंदा हो गए। उधर कपुरावती इस बात को लेकर परेशान थी कि उसकी बहन के घर से रोना पीटना अब तक सुनाई क्यों नहीं दिया। ऐसे में असलियत जानने वो खुद ही बहन के घर चली गई, लेकिन उसके 7 बेटों को जिंदा देखकर वह सन्न रह गई। इसी दौरान भगवान जीमूतवाहन भी वहां प्रकट हुए और उन्होंने दोनों बहनों को पूर्वजन्म की कथा सुनाई। कथा सुनने के बाद कपुरावती को बहुत पश्चाताप हुआ और दुख में अपनी जान गवा बैठी। वहीं बड़ी बहन अहिरावती ने भगवान जीमूतवाहन से वरदान मांगा कि जो भी माता आज के दिन आपकी पूजा करे उसकी संतान को कोई कष्ट न पहुँचे। तब से जीवतिया व्रत की परंपरा चली आ रही है। आइए सुनते हैं जीवतिया व्रत पूजन विधि एवं सामग्री। इस व्रत में भगवान जीमूतवाहन गाय के गोबर से चील सियारिन की पूजा का विधान है। जीवित पुत्र का व्रत में खड़े अक्षत, पेड़ा, दुर्वा की माला, पान, लौंग, इलायची, पूजा की सुपारी, श्रृंगार का सामान, सिंदूर, पुष्प, गांठ का धागा, कुसा से बनी जीमूतवाहन की मूर्ति, धूपदीप, मिठाई, फल, बांस के पत्ते, सरसों का तेल, खली गाय का गोबर पूजा में जरूरी है। व्रत पूजन विधि, स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान जीमूतवाहन की पूजा करें। इसके लिए कुसा से बनी जीमूतवाहन की प्रतिमा को धूप दीप, चावल, पुष्प आदि अर्पित करें। इस व्रत में मिट्टी और गाय के गोबर से चील व सियारिन की मूर्ति बनाई जाती है। इनके माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाया जाता है। पूजा समाप्त होने के बाद जीवित पुत्र का व्रत की कथा सुनाई जाती है। पारण के बाद यथाशक्ति दान और दक्षिणा दें।